हाईवे में क्रैश के कारण उन्होंने सारे रास्ते बंद करे हुए हैं। यहाँ पे जाके एक फैक्ट्री आई है जो कि बहुत ही, और एक खास बात, यहाँ पे कोई भी फोन का सिग्नल नहीं है। यहाँ पे 60 शिप्स ऐसी थी जो कि डूब गई। ये जो लैंड दिख रहा है आपको, ये लास्ट पीस ऑफ लैंड बन चुकी है, अब बन रही है चाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज काफ़ी ब्राइट सनी डे है, अब हम निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो चलिए आपको दिखाते हैं साउथ वेस्टर्न वेल्स का एक नज़ारा। वेल्स में क्या रहता है ना, वेल्स में सारी चीज़ें अपने इनके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो ये साइन बोर्ड्स हैं उस पर भी वेलिश में लिखा हुआ है। सो आज हमारे साथ हो गया है पोपट। हमें जाना था स्वानसी जो कि बहुत ही फेमस है सैंडी बीचेस के लिए, और यह आता है साउथ कोस्ट ऑफ वेल्स में। बट हाईवे में क्रैश के कारण उन्होंने सारे रास्ते बंद करे हुए हैं स्वानसी के लिए। सो गाइस, ये चल रही है अभी कंस्ट्रक्शन जोन। बहुत आज हमें रूट लंबा पड़ गया है बिकॉज रास्ते में 2-4 क्रैश हो रखे थे, तो उन्हें छोटे छोटे टाउन के बीच सड़क निकाली है। सो स्वानसी तो हम देख नहीं पाए, तो अब चलते हैं स्ट्रंबल हेड का लाइट हाउस देखने। बट आप देखेंगे रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं एकदम हाईवे से हटके है, एंड यहाँ पे जाके एक फैक्ट्री आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड लग रही है। सो दिन से निकलने के बाद काफ़ी ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए बहुत ही मतलब जैसे कहेंगे मुश्किलों से पहुंचते हुए हम आ गए हैं स्ट्रंबल हेड। और ये रहा यहाँ का व्यू, ये है लाइट हाउस इसका जो काफ़ी फेमस है, अभी जाने को नहीं है। और एक ख़ास बात, यहाँ पर कोई भी फ़ोन का सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हमारे दोनों के ही फ़ोन आउट ऑफ सिग्नल हो चुके हैं। ये है टीशी। सो स्ट्रंबल हेड लाइट हाउस बना था 1908 में, बट इसका प्रपोजल ट्रिनिटी हाउस ने 1825 में ही दे दिया था। ये लाइट हाउस इसलिए बनाने का प्रपोजल दिया गया था बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे शिप्स के एक्सीडेंट्स होते थे, एंड कहा जाता है कि वहाँ पे 60 शिप्स ऐसी थी जो कि डूब गई हैं। सो स्टार्टिंग में जो लाइट हाउस था वो पैराफिन के थ्रू ऑपरेट होता था, जिसको 1949 में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मूव कर दिया गया था, एंड देन 1980 में इसे कम्प्लीटली ऑटोमेटेड कर दिया गया था। तो ये लाइट हाउस जो है वो एक डिफरेंट आइलैंड पे है, तो उसको यहाँ पे स्टील के एक ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। और ये रहा एंड। तो कहते हैं स्ट्रंबल हेड, ये जो है, ये जो लैंड दिख रहा है आपको, ये लास्ट पीस ऑफ लैंड है, इसके आगे कोई लैंड नहीं है। और यहाँ से फेरी चलती हैं, फेरी या फिर वो ऐसा कुछ, और आगे जाता है आयरलैंड। सो स्ट्रंबल हेड में थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं ब्रिस्टल के लिए, एंड हमने अब लिया है एक डिफरेंट रूट जो कि अभी थोड़ी आगे जाके हाईवे पे कनेक्ट होगा। सो यहाँ पे हम सिटी के बीच से जा रहे हैं। सो गाइस, बहुत भूख लग रही थी तो अभी हम लोग मैगी बना रहे हैं। रास्ते में रुक के यहाँ पार्किंग मिला है एक, सो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं यार, बहुत तेज भूख लग रही थी। ऋषिका को अंदर ही अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो हम किसी तरह मैगी बना रहे हैं और चाय पी रहे हैं क्योंकि अभी लंबा है काफ़ी रास्ता, और हमें ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लग जाएंगे अपना। अभी हम रात को एक्चुअली हम रुक रहे हैं आज वापस ब्रिस्टल में रादर देन कार्डिफ, ताकि हम ब्रिस्टल का कल सुबह थोड़ा थोड़ा सा कुछ देख सकें। तो बनती हुई मैगी कैसा लग रहा है? तो भाई मैगी बन चुकी है, अब बन रही है चाय। मैगी, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया, इतना टेस्ट आ रहा है, आह हा हा। तो
गाइस अब हम जा रहे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज से, जिसका ऑफिशियली नाम ये दिया गया था जुलाई 2018 में, बट ये ब्रिज बना था 1996 में। सो ये रिवर सेवरन के ऊपर है एंड ये इंग्लैंड एंड वेल्स को कनेक्ट करता है। सो ये बनाया गया था बिकॉज ये M4 हाईवे से भी कनेक्ट होता है। सो ये इसलिए बनाया गया था बिकॉज जो ओल्ड ब्रिज है जो कि 1966 में बना था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लग गया था ट्रैफिक का। सो इस वजह से वो ट्रैफिक डिवाइड करने के लिए ये वाला ब्रिज। हाय गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अब कहाँ, ब्रिस्टल। हमने मिलेनियम स्क्वायर में लगाई है अपनी गाड़ी अभी के लिए और अब जा रहे हैं हम रुके हैं आईबिस होटल में, अब निकलते हैं उसके लिए। ये है हमारे होटल के सामने का एक व्यू। सो ये है एंट्री, ये है रिसेप्शन बार काउंटर एंड we have food area. तो हमारा रूम है फोर्थ फ्लोर पे। सो हमारा रूम नंबर है 453। सो वो है बहुत ही ज्यादा दूर। अभी हम आए हैं यहाँ पे 4500 डेली रेस्टोरेंट करके है उसमें, ये अभी क्लोज ही होने वाला है, हमने बस हाफ एन आवर मिला, एक्चुअली बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो हमने करा ऑर्डर, अब खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जा रहे हैं डिनर करके वापस अपने होटल की साइड। अभी इसका व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है इसलिए हम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, ताकि आपको सुबह दिखाएंगे क्योंकि ये फेस कर आप साइड की। सो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल के सपोर्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं ब्रिस्टल का फेमस ब्रिज एंड देन ले चलते हैं ऑक्सफोर्ड।